मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से जीत गए, जो लगातार एक आशंका बनी हुई थी। 589 जी, ये आप वोट का आंकड़ा, वहीं से जहां पे मतगणना चल रही थी वहीं पर मनीष सिसोदिया बैठे थे, एक एक वोट पर नजर बनाए थे, और ये 57,516 नंबर दो पर, यानी बहुत करीबी मुकाबला रहा है। मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले शाहीन बाग पर स्टैंड लेते हुए कहा था, आई स्टैंड विद शाहीन बाग, और सवाल जब ये उनसे पूछा गया, हालांकि वहां से निकल गए हैं, लेकिन अब दिल्ली में सब जानना चाहते हैं कि शाहीन बाग के साथ खड़े होना ठीक है, लेकिन शाहीन बाग के लोग उठेंगे कब और वो सड़क खुलेगी कब। तो ये एक बड़ी जो राजनीतिक चूक ऐसा लगता है बीजेपी से हुई है आशुतोष, वो ये कि शाहीन बाग के जाम को उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा समझा। और पूरी जी क्या कहना चाहेंगे, पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को, पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका आम परिवार का बेटा बन के काम किया, उसको वोट किया है। और बहुत खुशी है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी बम्पर जीत मिली है, पटपड़गंज भी उसमें शामिल हुआ है। मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी हो रही है। सर आप बताइए, आपकी जो नहीं, वो फ्लिप फ्लॉप तो है, पर अंत में कुल मिला के काम की जीत हुई। शिक्षा पे पटपड़गंज में बहुत काम हुए थे, पूरी दिल्ली में शिक्षा पे काम हुए। मेरे से आप पूछिए तो मुझे लगता है देश में पहली बार किसी चुनाव में शिक्षा पर हुए काम की जीत हुई है, ये शिक्षा की जीत है। पूरा मुकाबला अलग अलग सीट पे अलग अलग तरीके से था, बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स पटपड़गंज के बटे नहीं, और कुल मिला के आम आदमी केजरीवाल जी को जिताने के लिए एक बार आपने कमेंट किया था कि शाहीन बाग के साथ में खड़ा हूं, उसका कारण तो नहीं है जो आपका इतना बीजेपी आप, मुझे लगता है जीत महत्वपूर्ण है, जीती है, स्वास्थ्य देना, बिजली पानी की सुविधाएं देना, ये देशभक्ति का एक मॉडल, ये राष्ट्रवाद का एक मॉडल केजरीवाल जी की गवर्नमेंट से पिछले 5 साल में निकला है, और आज दिल्ली की जनता ने राष्ट्रवाद का मतलब काम करने वाली सरकार चुना है। ये जब तक कौमों को लड़ाने में काम करते रहेंगे, जब तक ये काम करने की राजनीति नहीं करेंगे, ये हारेंगे। काफी युवा चेहरे थे आपके सामने और